क्लास नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन मिल्स हाउ कॉटन मिल्स एस्टेब्लिश्ड इन आवर कंट्री इंडिया इन 1854 द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट बॉम्बे वेन द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन आवर कंट्री इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस बॉम्बे इट वॉज मेनली अ स्पिनिंग मिल और ये कैसी मिल थी स्पिनिंग मिल थी यहाँ पे कपड़े स्पिन करके बनाए जाते थे मिल वर यूजुअली एस्टेब्लिश्ड इन दोज लोकेशंस विच फैसिलिटेड ईजी सप्लाई फॉर रॉ मटेरियल मिल ऐसी जगह पे लगाई जाती थी जहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल पहुँच सके अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पर्सियन एंड गुजराती बिजनेस मैन अबाउट 84 मिल्स वेयर ओपेंड इन बॉम्बे बाई 1900 तक आते आते फ्रॉम 1854 टू 1900 गुजराती व्यापारियों के पेट्रोनेज में मीन्स गुजराती व्यापारियों के संरक्षण में लगभग 84 मिल्स यहाँ तक आते आते इस्टेब्लिश हो गई कहाँ पे बम्बई में पहली हुई 1854 में और 1900 तक आते आते मीन्स नियर अबाउट 46 ईयर्स विद इन 46 ईयर्स द कॉटन मिल इंडस्ट्री इन नंबर्स गोज टू द 84 दे हैड देयर ट्रेड रिलेशंस मेनली विद चाइना और हमारे बम्बई में इस्टेब्लिश होने वाले कपड़े व्यापार कहाँ से होता था चाइना से मेनली ये चाइना के लिए ये कपड़े प्रोड्यूस करते थे इन 1861 अ मिल वॉज इस्टेब्लिश एट अहमदाबाद एंड इन 1862 अनदर केम अप एट कानपुर और 1861 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल लगी और उसके बाद 1862 में ये कानपुर में भी मिल इस्टेब्लिश हुई कानपुर इन उत्तर प्रदेश एंड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर लेबर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पुअर वेबर्स और जब मिल्स यहाँ लगने लगी तो अब चीज़ों की डिमांड बढ़ गई कॉटन के थ्रेड की मांग बढ़ गई अब यहाँ से अब लोगों को बुनने वाले जो गरीब लोग थे उनके लिए काम बढ़ गए आर्टिजन्स क्राफ्टमैन एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स टू केम अप जॉब इन दीज मिल्स और बहुत सारे कला शिल्पकारों प्रशिक्षित लोगों को मजदूरों को इन फैक्ट्रीज में काम मिलने लगा इन द इनिशियल ईयर्स द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया हैड टू कम्पीट विद द चीप ब्रिटेन मेड टेक्सटाइल्स और शुरुआत में भारत की फैक्ट्रियों को इन मिल्स को कॉटन मिल्स को ब्रिटेन में बने हुए कपड़ों से कंपटीशन करना पड़ा उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी क्योंकि वो बहुत सस्ते होते थे तो अब इन्हें भी उसके कंपेयर में सस्ते कपड़े बनाने पड़े ऑल्सो देयर वॉज नो सपोर्ट फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था इनके द्वारा इन मिल्स को कोई सपोर्ट नहीं किया जाता था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडियन एंड दिस गेव अ ट्रिमेंडस इम्पेटस टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया और जब 1914 to 1918 ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ इस टाइम में ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों को रोक लग गई क्योंकि सारे देश वर्ल्ड वॉर में इंगेज हो गए तो इस समय ये चार साल का समय फ्रॉम 14 to 18 ये समय था जब भारत की कॉटन मिल्स को या इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने का एक अच्छा मौका मिल गया यहाँ से डिमांड बढ़ने लगी और भारत की इंडस्ट्रीज़ को भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया दिस वॉज द टाइम फ्रॉम 14 to 18 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन फैक्ट्रीज वेर नाउ आस्क्ड टू प्रोड्यूस क्लोथ फॉर फुलफिलिंग मिलिट्री नीड्स और अब भारत की इंडस्ट्रीज़ को मिल्स को ये ऑर्डर मिलने लगा कि मिलिट्री के लिए यूनिफॉर्म बनाए मिलिट्री के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्शंस करने स्टार्ट करें क्लियर इस प्रकार से हमने देखा द फर्स्ट
कॉटन मिल वाज इस्टेब्लिश एट बॉम्बे इन 1854 एंड फ्रॉम 1854 टू 1900 विद इन 46 ईयर्स दिस नंबर ऑफ मिल्स गोज अप टू 84 मिल्स इन द बॉम्बे एंड देन इन 1861 एट अहमदाबाद 1861 द कॉटन मिल वाज इस्टेब्लिश एट अहमदाबाद गुजरात एंड इन 1862 एट कानपुर उत्तर प्रदेश. दीज आर द पॉइंट्स एंड फ्रॉम 14 टू 18 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द डिमांड फॉर द कॉटन क्लोथ्स इंक्रीज्ड इन इंडियन मार्केट्स एंड दैट वॉज द टाइम टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कॉटन मिल्स. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री. ओके, थैंक यू.